स्टार्टिंग में ही इत्तला कर देती हूँ कि 2-3 एपिसोड्स के बाद सीजन 4 स्टार्ट होगा और लास्ट एपिसोड हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यिल्दिज़ के घर में कोई बेल बजाता है। खालिद के सामने यिल्दिज़ दरवाज़ा खोलती है तो देखती है करीम CEO खड़ा है। यिल्दिज़ के तोते उड़ जाते हैं। खालिद के पूछने पर कहती है ऑफिस से कोई है। यिल्दिज़ जल्दी से जैकेट पहन के बाहर उससे बात करने जाती है। रात के इस पहर कौन मिलने आता है? वो उससे पूछता है कि अपने साबका शौहर के सामने ऐसा क्यों नाटक किया कि मुझे नहीं जानती हो। यिल्दिज़ कहती है कि मेरे मुंह से निकल गया। करीम कहते हैं कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, लगता है मुझे पसंद करने लगी हो। फिर दोनों में बहस होती रहती है थोड़ा बहुत और फिर यिल्दिज़ करीम को वहाँ से भेजने में कामयाब हो जाती है। खालिद के पूछने पर कहती है कि ऑफिस को लेकर कुछ पूछने आया था। सजीर के घर काया, अली और करीम आते हैं खालिद से मिलने। वो आखिरी बार करीम अपसेट था इसलिए उसको चीयर अप करने के लिए काया का ये आइडिया था। बस सजीर कहता है खालिद यहाँ नहीं है, यिल्दिज़ के वहाँ रहने लगा है क्योंकि यहाँ पाइप्स फट गई है। वो लोग फिर हैरान होकर वहाँ से निकलते हैं क्योंकि उन्हें लगा घर पे बिल्कुल ठीक है, अगर कुछ पाइप्स फट भी गए हैं तो वहाँ सजीर कैसे रह रहे हैं। शाइका को काया आलिया के सामने बताता है कि वो लोग करीम CEO को इनवाइट करने वाले हैं। शाइका तो शॉक्ड होती है और आलिया उसको नज़दीक से परखने की कोशिश करती है। उसे समझ में सब आ रहा है। काया आलिया को फिर खालिद वाली बात बताता है। आलिया कहती है कि उसे लगता है खालिद पूरी प्लानिंग कर रहा है कि वो यिल्दिज़ से फिर से शादी करेगा। काया को ये थोड़ा अजीब लगता है। यिल्दिज़ खालिद से पूछती है कि उसको शाइका के नीचे काम करने में बुरा नहीं लगता। वो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हम सब के लिए सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। क्लियरली वो सही में यिल्दिज़ को वापस चाहता है। यिल्दिज़ को थोड़ा अजीब तो लगता है ये बात, पर वो इग्नोर करती है। शाइका करीम को इनवाइट करने वाली बात बताती है। करीम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। शाइका जब बताती है सबके बारे में तो करीम पूछता है कि तुम काफ़ी अकेलेपन वाली लड़की लगती थी, इतने बड़े फैमिली में कैसे रहती हो। शाइका फिर नाटक करती है कि वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है एटसेट्रा, फिर अच्छे से फ्लर्ट भी करती है उसके साथ, पर वो भाव नहीं देता। आलिया यिल्दिज़ के घर आती है उसे अपने घर रात को इनवाइट करने। बड़ी चालाक है आलिया, उसे उसी वक्त बुला रही है जब करीम आएगा ताकि शाइका को जलन हो। यिल्दिज़ को बताती नहीं है कि करीम आ रहा है। फिर यिल्दिज़ से पूछती है कि खालिद आया है, मुझे बताया क्यों नहीं। यिल्दिज़ फिर बताती है पाई फटने वाली बात और उसकी बातों से ही लगता है कि वो खालिद की बहुत परवाह करती है। आलिया उसको भी परख रही थी कि वो खालिद को अभी भी चाहती है कि नहीं। खालिद करीम के कैबिन में कुछ फाइल्स रखने जाता है जब करीम उससे कहते हैं कि मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, तो खालिद कहते हैं कि बुरा ही सुना होगा कुछ। वो कहते हैं नहीं, मैंने जाना है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। खालिद कहते हैं कि मेरी हैसियत अब बस असिस्टेंट की रह गई है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पर करीम अपनी बात पर जोर देता है और कहता है कि एक दिन मैं आपके साथ डिनर करना चाहूँगा। जब खालिद बाहर जाता है और मर्द अंदर आता है तो करीम के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। लैला अपने रेस्टोरेंट में जब काम करती है तो दो लड़की और एक लड़का वहाँ आके उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उसे ही सुनाकर। उस लड़की की एक्टिंग तो ऑस्कर जीतने लायक थी। एनीवेज फिर वो एक लड़की उससे बदतमीजी भी करती है तो अली आके उसे कन्फ्रंट करता है। जब उसे वो लड़का मारने उठता है तो अली उसको बेधड़क मारता है। इस गुस्ताखी की वजह से बॉस अली को फायर कर देता है। वो भी रिजाइन करके गुस्से में चला जाता है, पर लैला बहुत अफसोस करती है। वो उससे कहती है कि मुझसे मिलने ज़रूर आना, अब तो मैं अकेली हो गई हूँ। फिर दोनों गले भी मिलते हैं। आलिया खालिद को बताती है कि उसे 10% शेयर्स मिलने वाले हैं और वो खालिद से ये भी पूछती है कि वो शाइका को छोड़ के उसके पास आने के लिए राजी है कि नहीं। खालिद कहते हैं कि मैं शाइका के पास कैद नहीं हूँ, अपनी मर्जी से हूँ, तुम जल्दबाजी मत करो, वेट करो थोड़ा। आलिया शाइका से मिलने आती है पेपर्स पर साइन करने के लिए 10% शेयर्स वाला। शाइका कहती है कि देखो खालिद ने जिस जिस औरत को तकलीफ दी है सब आज किसी न किसी मुकाम पर है, मैं तुम यिल्दिज़ सब औरतों की जीत हो गई है। आलिया हंस देती है, कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि औरतों की सरदार तुम ही हो, जबकि तुम तो औरतों को तबाह करने वाली औरत हो। एनीवेज आलिया के नाम 10% शेयर्स हो जाते हैं। करीम को उसके स्कूल का प्रिंसिपल बुलाकर कहता है कि एक ब्रिटिश म्यूजिक स्कूल का ब्रांच टर्की में है और उसने तुम्हारे टैलेंट को देखकर तुम्हें स्कॉलरशिप देने की सोची है, आगे जाके तुम ब्रिटेन में जाके भी ये ट्रेनिंग ले सकते हो। करीम तो बहुत खुश हो जाता है। उसके निकलते ही वो प्रिंसिपल मतीन को कॉल करके कहता है कि काम हो गया, खालिद तो अपने बच्चों की ज़िंदगी में गार्जियन एंजल बन गया है। आलिया कोवर को बताती है कि शाइका की नज़र अब खालिद के शेयर्स पर है जो बैंक के नाम है, इसलिए उसने आसानी से मुझे शेयर्स दिए। उन दोनों को समझ नहीं आता खालिद इतना अमीर होकर भी शाइका के नीचे क्या कर रहा है। तभी आलिया कहती है कि वो यिल्दिज़ के घर गया है। अब वो यिल्दिज़ को चाहता है, शाइका करीम CEO को चाहती है और करीम CEO यिल्दिज़ को। इस बात का हमें फ़ायदा उठाना होगा, इसलिए मैंने यिल्दिज़ और करीम को साथ में बुलाया है। यिल्दिज़ आकिफ को बुलाकर ज़ैरा को समझाने के लिए कहती है कि उसे तुम कायल करो कि वो ना पिए, क्योंकि वो तो उसको पहले भी उल्लू बहुत बार बना चुका है। वो ज़ैरा को बाहर लेके जाता है और ज़ैरा बहुत सुलझी हुई बिहेव करती है जैसे कि उसने पीना छोड़ दिया।
आलिया आती है करीम सीईओ के पास। ये दो करीम होने की वजह से मुझे बड़ा मुश्किल होता है। वो करीम को भी थोड़ा परखने की कोशिश करती है अपने बातों से और फिर उसे इन्वाइट करती है रात को।